शपथ लेती हूँ जब तक महिला आरक्षण कानून लागू नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम किया, हर बार की तरह एक जुमला करके इनका मजाक उड़ाने का कोशिश की, ये बड़ी शर्मनाक बात है। मणिपुर में हमने देखा किस तरीके से आदिवासी बहनों के साथ में अत्याचार हुआ, नरेंद्र मोदी और उसके किसी भी मंत्री ने अपनी जुबान तक की नहीं खोली। आज उस संविधान की रक्षा, उसकी सुरक्षा करने की हम सब लोगों ने यहाँ पे शपथ ली है। ये कुर्सी बचाने वाला बजट है। वो एससी एसटी के छात्रों को बाहर जाने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसको काट दिया गया है। तो वो जो इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, जो उसके मालिक हैं, जिनकी सांठ गांठ प्रशासन के साथ में है, उन्होंने वो लाइसेंस उस बिल्डिंग को कैसे दिया, ये पूरा इसके ऊपर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं भारत की नारी शपथ लेती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण कानून लागू नहीं होता और उसमें हमारी ओबीसी महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता, तब तक मैं यूं ही सड़कों पर हर उपयुक्त मंच पर यूं ही आवाज उठाती रहूंगी। मैं भारत की नारी, बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध और महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महालक्ष्मी योजना लागू होने तक अपना संघर्ष यूं ही जारी रखूं। मैं भारत की नारी महिला अपराध के खिलाफ चुप नहीं रहूंगी और अपने आसपास हुए महिला अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज को यूं ही उठाऊंगी और पीड़िता के संघर्ष में उसको न्याय मिल जाने तक उसके साथ खड़ी दिखूंगी। मेरा संघर्ष राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय का हक मिलने तक यूं ही जारी रहेगा। महिला आरक्षण विधेयक के को लागू करने के लिए जो मांग की है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम किया, हर बार की तरह एक जुमला करके इनका मजाक उड़ाने का कोशिश की, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और हमारी मांग है कि महिला विधेयक, जो महिला आरक्षण है, वो लागू हो और इसमें ख़ास तौर पे ओबीसी की वंचित शोषित समाज के महिलाओं को भी इसके अंदर आरक्षण मिले। इसके साथ साथ में जो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और मोदी सरकार उसके ऊपर चुप्पी साधे है, मोदी सरकार को अपन महिलाओं के प्रति जो ईमानदारी से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए अपनी सोच है, उसको उजागर करना होगा। मणिपुर में हमने देखा किस तरीके से आदिवासी बहनों के साथ में अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़न हुआ उनके साथ में, लेकिन नरेंद्र मोदी और उसके किसी भी मंत्री ने अपनी जुबान तक की नहीं खोली। इसी जंतर मंतर के ऊपर मतलब जो देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला हमारी पहलवान थी, वो यहाँ पे कराहती रही कि उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रिजभूषण, उसने उनके साथ में दुराचार किया है, उनके साथ में शारीरिक शोषण किया है, कोई जुबान नहीं खोली नरेंद्र मोदी की सरकार ने।
तो ये चारों तरफ से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और आज जिस तरीके से महिला कांग्रेस ने कार्यक्रम किया, मैं बधाई देना चाहता हूँ और तमाम जितनी पूरे देश भर की महिलाएं हैं उनको शाबाशी देना चाहता हूँ कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली पहुँची हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, उनको राइट ऑफ इनहेरिटेंस देने की बात कही थी। आज उस संविधान की रक्षा, उसकी सुरक्षा करने की हम सब लोगों ने यहाँ पे शपथ लिए, और इस संविधान को कमज़ोर हम लोग नहीं होने देंगे। सर एक सवाल के, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि महिलाओं को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने हमेशा किया है, तो फिर ये विरोध देखिए कैसी बीजेपी क्या कहती है, आप उसकी बात को सुन रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं उसको भी सुनने की कोशिश कीजिए कि मणिपुर में महिलाओं के साथ में दुराचार हुआ था, देश की पहलवानों के साथ में यहीं वो कराहती रहीं, रोती रहीं, अत्याचार हुआ, 9 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है, 63 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में बलात्कार होता है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको उनको सेफ करते हैं। तो ये हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है उसके ऊपर मत जाइए। इस वक्त में देश के अंदर जो संविधान है वो खतरे में, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा जो उस संविधान में वो खतरे में है, उनकी आज अगर हम अस्मिता को बचाने की बात करते हैं तो इस देश के अंदर संविधान को बचाना होगा। सर चल रहा है, क्या लगता है कि जो सरकार दावा कर रही है कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तमाम जो है उनसे संबंधित चीज़ें इसमें लाई गई है, तमाम तरीके से फ़ायदा पहुँचा? देखिए ये कुर्सी बचाने वाला बजट है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ पर जो एससी एसटी के छात्रों को बाहर जाने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसको काट दिया गया है, जो बच्चे नौजवान हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो इस देश का भविष्य हैं, उनको यहाँ वहाँ पर उनकी नौकरियाँ के लिए कोई गारंटी नहीं है। नीट का एग्ज़ाम हुआ वो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक का इतना बड़ा मसला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हर एंगल के ऊपर फेल हुई है, और हमारा ये मानना है कि ये बजट जो है सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, आंध्र प्रदेश और बिहार को उन्होंने एक स्पेशल पैकेज दिया सिर्फ क्योंकि उनको अपने अलायंस पार्टनर को खुश रखना है। सर कल ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ी घटना घटी है, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो सपने लेकर के युवा दिल्ली आते हैं? सबसे पहले तो वो जो इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, जो उसके मालिक हैं, जिनकी सांठ गांठ प्रशासन के साथ में है, दिल्ली सरकार के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में, जो डिपार्टमेंट्स इसके अंदर जो परमिशंस देते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उन्होंने वो लाइसेंस उस बिल्डिंग को कैसे दिया, ये पूरा इसके ऊपर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसके अंदर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में, और जो वहाँ के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एक बहुत बड़ा माफिया है, जो एजुकेशन माफिया है, जो शिक्षा को प्राइवेटाइज करके गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहा है, वो सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। धन्यवाद सर। तो ये जो है पूरी बातचीत है इसको लेकर के साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो मूलभूत मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला आरक्षण को लेकर के लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और अपनी बातों को कांग्रेस वाले उठा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।